हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 13 जून। यहाँ पर आज हम 13 जून की कन्फ्रेंस करेंगे जो कि द हिंदू पर न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेंगे एक बारी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना। और अभी आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, और इनकी जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो रूरल और अर्बन ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में इस बार इन्होंने क्या चीजें जोड़ी हैं और कहां पे किस चीज को लाभार्थी माना है, इस पर हम टॉपिक वाइज पूरी बात करने वाले हैं, जिसके आप एक शॉर्ट नोट भी बना पाओगे। नेक्स्ट हमारा होगा सेनकाकू द्वीप विवाद। ये विवाद जापान एवं चाइना के बीच में उभरा है, तो इसको जानना जरूरी हो चुका है कि ये विवाद किस तरीके से सामने आया है और इस पर कब्जा किसका है, क्योंकि आपको पता होगा कि दो देशों के बीच में कोई भी द्वीप का विवाद होता है तो उससे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक हो जाता है। मैत्री सेतु, आपने ये नाम कई बार अखबारों में अपने नोट्सों में सुना होगा, लेकिन अभी जब तीसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री बने, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब आई थी, तो फिर से उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान मैत्री सेतु चर्चा में आया और उसको कोपिन करने के लिए बात सामने आई है, तो इसको समझेंगे मैत्री सेतु के बारे में। अंतिम होगा कीर्त द्वीप। ये कीर्त द्वीप कहाँ का है जो नया सामने आया है, इसको हम देखेंगे। तो आज के हमारे चार टॉपिक पे कन्फ्रेंस होगी जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, बेल आइकन में प्रेस करके। हमारा ऐप है नट लर्निंग ऐप, जिसको डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज वहां पे मिलेगी आपको ऑनलाइन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो इसलिए जल्दी जाइएगा नट लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है, तो पीएमएवाई, याद रखिएगा इसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं पीएमएवाई, इसको हम कहते हैं लास्ट में जी लिख दो तो ग्रामीण और क्या रखेगा। चर्चा में क्यों है, नवगठित केंद्र सरकार, आपको पता होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक तरीके से जब अपना पदभार संभाला तो नवगठित केंद्र सरकार या मंत्रिमंडल ने पहले 100 दिवसीय एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। कितना, ध्यान रखिएगा, सही सुन रहे हो आप लोग, 3 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अच्छा, एक बात ट्विस्ट यहाँ पे ये भी है कि आप लोग जो ग्रामीणों में घर बनते हैं वो तो सीधा लैंड पर बनते हैं, मतलब जमीन पर बनते हैं, लेकिन जो शहरों में बनते हैं, शहरों में फ्लैट बनते हैं। क्या बनते हैं, शहरों में फ्लैट बनते हैं, और फ्लैट भी 3 तरीके के अब दिए जाएंगे। कौन कौन से दिए जाएंगे, एक EWS, LIG और MIG। अब ये इनका क्या क्राइटेरिया है, EWS वालों को 1 BHK, LIG वालों को 2 BHK, MIG वालों को 3 BHK। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी अब फ्लैटों को यहाँ पर देने की बात सामने आई है, ठीक है। हालांकि 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी प्रदान दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो की प्रमुख है और इस चर्चा का विषय बना हुआ है, प्रति लाभार्थी लाभार्थी को अधिक सहायता के साथ में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की मंजूरी शामिल है। कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत है, इसमें 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की मंजूरी दी गई है। इसकी घोषणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में प्रस्तुत करते समय कर दी थी, लेकिन अभी जब बने हैं तो इसमें और अच्छे से इसको उन्होंने डिफाइन किया और अब बताया है कौन किसको लाभ यहाँ पर मिलेगा। संभावित परिवर्तन क्या बताए हैं, तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता में करीब 50% की बढ़ोतरी कर सकती है। जो लाभ अभी मिल रहा था उसमें 50% की और बढ़ोतरी करने की संभावना जताई जा रही है। अब हम ग्रामीण की बात करें, शहरी की भी बात करेंगे। साथ में केंद्र सरकार ने मैदानी इलाकों के तहत मकान निर्माण की जो लागत है 1.20 लाख, मतलब की 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दी है। वहां पर क्या रखेगा, मकान निर्माण के लिए मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो 1.30 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए पहाड़ी इलाकों में कर दिया। तो अच्छी खबर यह है, मैदानी इलाकों को भी फायदा होगा अब इसमें और पहाड़ी इलाकों को भी फायदा होगा। तो 1.3 से 2 लाख हो गया है, 1.2 से 1.8 लाख हो चुका है, तो 1,80,000 और 2 लाख हो चुका है। तो ये अच्छी खबर है मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लिए। ये अतिरिक्त 2 करोड़ जो मकान होंगे वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत के बाद से इसके तहत स्वीकृत 2.95 करोड़ मकान, कितना, 2.95 करोड़ मकानों के अतिरिक्त होंगे। जो घोषणा 2.95 करोड़ की गई थी वर्ष 2016 में,
और ये 2 करोड़ जो अलग से मकान बनेंगे इसके अलग होंगे, ध्यान रखिएगा। इन 2.95 करोड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2.61 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। जो 2016 में घोषणा की गई थी ना कि हम 2.95 करोड़ मकान बनाएंगे, जिसमें से 2 करोड़ याद रखिएगा 2.61 करोड़ मकान बन चुके हैं। अब 2 करोड़ अतिरिक्त घोषणा कर दी गई है मकानों को, याद रखिएगा। तो टोटल कितने हैं? 3 करोड़ हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए 2 करोड़ और 1 करोड़ शहरी लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छोटी सी बातों को समझते हैं। 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है किस चीज के लिए पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सामने आई थी। इसी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य है, ध्यान रखना है, सभी के लिए आवास, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इनका प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना के कार्यान्वयन का जो वित्तीय भार है मैदानी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 60-40 से करेगी, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। पहाड़ी राज्यों में बात की जाए तो 90-10 से करेगी, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार करेगी। केंद्र शासित प्रदेशों वाले ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया तो 100% जो हिस्सेदारी होगी वो केंद्र सरकार, इसमें केंद्र शासित क्षेत्र का कोई हिस्सा नहीं है, 100% केंद्र सरकारी वहन करेगी इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात कर लेते हैं। ग्रामीण 2016 में शुरुआत की गई थी, शहरी का प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 तक सभी के पात्र लाभार्थियों पक्के मकान उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य था, क्या था? पक्के मकान उपलब्ध कराना लक्ष्य था। योजना के 4 भाग हैं, इन सीटू स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, साझेदारी में किफायती आवास, लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास निर्माण। ये जो 4 योजना के इसके भाग है, अलग अलग तरीके से लोगों को इसमें मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किफायती किराए के आवास परिसर की उपयोजना की शुरुआत की गई है। तो शहरी क्षेत्रों में भी शुरुआत की गई है, लेकिन अभी जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का इन्होंने घोषणा कर दी है। टोटल जो घोषणा की है वो 3 करोड़ घरों की हुई है। तो आवास में शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल है, लेकिन ग्रामीण के लिए खास तौर से योजना सामने आई है। नेक्स्ट डिफेंस की बात करते हैं, सेनकाकू द्वीप समूह विवाद क्या है। अब जो सेनकाकू की आप व्यवस्थिति देख पा रहे होगे, है ना, ये जो व्यवस्थिति है वो सेनकाकू की है। यहां पर देखोगे तो ये जापान है, और यहां पर देखोगे तो ये चाइना है। सेनकाकू द्वीप विवाद की अगर बात करें, उससे पहले जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके, हमारा ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नेट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मल्टीपल्स एग्जाम की है। तो सेनकाकू द्वीप जो बात की जाए, 4 सशस्त्र चीनी तटरक्षक पोतों के द्वारा पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर जापान ने चीन का विरोध दर्ज कराया, और जापान ने इसे अपना क्षेत्र बताया है। पूर्वी चीन सागर, आपको पता होगा ये चाइना है, पूर्वी चीन सागर है ना, और चाइना के 4 सशस्त्र बलों की टीम ने यहाँ पर जल क्षेत्र में प्रवेश किया, और जापान पर इसका अधिकार है, स्वायत्त है। तो जापान ने भैया कहा है कि इस पर विवाद किया कि आप क्यों इसमें आए हो, तो ये चीज सामने आई है। सेनकाकू की बात की बात की जाए, यह विवाद निर्जन द्वीपों के एक समूह से संबंधित है, जिसे जापान में सेनकाकू द्वीप समूह और चीन में दिया ओई द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। सोचिएगा, सेनकाकू द्वीप विवाद, सेनकाकू द्वीप को ही 2 नामों से जाना जाता है। जापान में इसको कहते हैं सेनकाकू द्वीप, और चाइना में कहते हैं इसको दिया ओ द्वीप समूह, याद रखिएगा। जापान एवं चीन दोनों ही इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करती है। जो सेनकाकू द्वीप है उस आसपास और भी निर्जन द्वीप हैं, इन द्वीपों पर जापान अपना दावा करता है और चीन अपना दावा प्रस्तुत करता है। ताइवान भी इस द्वीपीय क्षेत्र का अपना हिस्सा मानता है, ध्यान रखिएगा, ताइवान की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी, ये है। तो ताइवान भी इसे को अपना क्षेत्र का हिस्सा भी मानता है, हालांकि वर्तमान में इसे जापान के द्वारा शासित किया जाता है। तो एक बात तो साफ हो गई, कोई दावा कोई भी करे, जापान करे, चाइना करे, ताइवान करे, लेकिन जो शासित जिसके द्वारा हो रहा है वो जापान के द्वारा भी वर्तमान में शासित हो रहा है। कब से हो रहा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1951 में सैन फ्रांसिस्को को शांति संधि के माध्यम से जापान के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया था, और इस संधि के अनुसार सेनकाकू द्वीप समूह को अमेरिका के प्रशासन के अधीन नान सेई सोटो द्वीप के हिस्से के रूप में रखा गया था।
तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो चुका था उसके बाद 1951 में सैन फ्रांसिस्को की शांति संधि हुई, तब इसको अमेरिका के प्रशासन के अधीन नानसेई टोटो द्वीप के हिस्से में रखा गया था, लेकिन अमेरिका ने इसको जापान को एक शासित क्षेत्र के रूप में दिया और तब से जापान इसको शासित कर रहा है। वर्ष 1972 में जापान एवं अमेरिका के मध्य में एक समझौता हुआ कि सेनकाकू द्वीप समूह को प्रशासनिक नियंत्रण वो जापान को सौंप दिया जाएगा। तो ये चीज सामने आई है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का यूएसए का जरूर हिस्सा था, लेकिन 1972 का जब समय आया तो एक संधि हुई जापान और अमेरिका के बीच में, और उस पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो जापान का सेनकाकू द्वीप पर हो गया। ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि नौवहन मार्गों के निकट होने के साथ ही मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से यह समृद्ध क्षेत्र भी है। तो नौवहन मार्गों का तो उपलब्धता होती है, लेकिन जो मत्स्य का उत्पादन है इसके लिए भी बहुत अच्छे क्षेत्र है। कुछ वर्षों के पूर्व जापान ने उसके नियंत्रित सेनकाकू द्वीप के पास में टोनोशिरो द्वीप का नाम टोनोशिरो सेनकाकू कर दिया था। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ये हो सकता है इंपोर्टेंट हो या ना हो, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन सेनकाकू द्वीप जरूर याद रखिएगा क्योंकि पहले इसको यूएसए को प्रदान किया गया और यूएसए ने जापान से समझौता किया और इसको जापान का प्रशासनिक नियंत्रण हो चुका है। अब चाइना इसमें बराबर एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है और बीच बीच में ताइवान भी कह रहा है, हालांकि जो शासित हो रहा है वो जापान के माध्यम से इसको शासित किया जा रहा है। चीन के अन्य समुद्री विवादों की बात कर रहे हैं छोटी सी हम, तो दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह जो कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई व ताइवान के बीच में एक विवाद सामने है, ठीक है। दूसरा है पैरासेल द्वीप समूह जो कि वियतनाम से विवाद है। तीसरा है स्कारबोरो शोल जो कि फिलीपींस से विवाद है। और चौथा है टॉकिन जो कि वियतनाम से विवाद है। तो चाइना के विवाद ना कई सारे देशों से, सभी देश मिल जाओ और उसको समझा दे, ये सामने आ सकता है। तो ये जो द्वीपों की मैंने बात किया है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में किसी भी तरीके से, किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से बन सकता है, हो सकता है ऑप्शन में डाल दें और ये सामने आ जाए कौन से द्वीप पर कौन सा देश शासित होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेनकाकू द्वीप के बारे में बात करें, सेनकाकू द्वीप जापान, चाइना और ताइवान के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित है। कहां पर है याद रखिएगा, जो द्वीप है वो मान लो सेनकाकू द्वीप ये रहा तो ऊपर जापान है, यहाँ पर ईस्ट में चाइना है और यहाँ पर ताइवान है। तो ये देखोगे आप लोग तो तीन देशों से घिरा हुआ है। सेनकाकू श्रृंखला में पांच टापू शामिल हैं, उत्तरशिरु द्वीप, कोबा द्वीप, ताइशो द्वीप, किता कोजिमा द्वीप और मिनामी कोजिमा द्वीप। ये जो पांच द्वीप हैं वो सेनकाकू द्वीप के ही टापू हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैत्री सेतु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पुल तो आपने कई देखे होंगे लेकिन ये जो पुल है ना वो भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश का क्या है, संयुक्त रूप से बनाने वाला ब्रिज है और सीमा को साझा करने वाला ब्रिज है, एक तरीका से बॉर्डर है ये। मैत्री सेतु की बात करें अगर हम, ये देख पा रहे होंगे फैनी है ना, और ये बांग्लादेश की सीमा, इंडिया की सीमा जा रही है, इंडिया बांग्लादेश, तो कई सारी सीमाओं से ये घिरा हुआ है, बार बार सीमाएं आती है, बार बार ये निकलता है। तो मैत्री सेतु की बात करें, भारत एवं बांग्लादेश मैत्री पुल के रूप में भी इसको जाना जाता है और सितंबर तक खुल जाएगा ये। कब तक खुल जाएगा, सितंबर तक इसको खुला जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी शपथ ली है और प्रधानमंत्री की शपथ 3.0 के तहत प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हसीना आई थी और दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई कि भैया इसको खोलो जल्दी से। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पुल सितंबर तक खुल जाएगा जो कि भारत के स्थल रुद्ध पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी से जोड़ देगा। भारत के जो स्थल पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको बंगाल की खाड़ी से यह जोड़ेगा। प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले पर्चा देखेंगे तो कितने किलोमीटर का है, 1.9 किलोमीटर का लंबा यह पुल सबरूम त्रिपुरा में रामगढ़ बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। याद रखिएगा सबरूम भारत का भारत में है जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है और रामगढ़ जो कि बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा जोड़ता है। मैत्री सेतु का निर्माण फैनी नदी पर किया जा रहा है, इंपोर्टेंट ये नदी याद रखिएगा कौन सी, फैनी रिवर पर किया जा रहा है। भारत त्रिपुरा में और बांग्लादेश की सीमा का काम करती है, याद रखिएगा जो फैनी नदी है मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया, जो फैनी नदी है वह कैसे काम करती है, भारत और बांग्लादेश की सीमा का काम करती है। मैत्री सेतु नाम भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों में रही वृद्धि का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। मैत्री सेतु ऐसे हल्के में नहीं लेना है, एग्जाम में इसमें मेंस तक में क्वेश्चन बनेगा, किसमें, मेंस तक में इससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री सेतु है द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों का वृद्धि का यह प्रतीक है। इस पुल का निर्माण की बात किया तो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड मतलब कि NHIDCL के द्वारा किया जा रहा है।
नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस पुल का निर्माण कर रही है। जो NHIBCL एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सामरिक सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए कार्य करती है। यह सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इस पर भी काम करती है नोडल एजेंसी के रूप में। जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिएगा, जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मिनिस्टर है वर्तमान में, अभी प्रधानमंत्री 3.0 के तहत कौन चुने गए, जल्दी से बताइए। मैत्री सेतु पुल के महत्व की बात किया है तो इस पुल के माध्यम से माल की आवाजाही रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो माल की आवाजाही है ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत, याद रखिए, भारत मान लो पश्चिम बंगाल से अगर हमें त्रिपुरा में माल पहुंचाना है तो वह बांग्लादेश से होकर गुजरेगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पुल भी है, क्योंकि बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह त्रिपुरा के शबरूम के बीच की मात्र दूरी 80 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, चटगांव बंदरगाह भी चर्चा में रहा था पिछले कई साल पहले, तो चटगांव बंदरगाह त्रिपुरा के शबरूम के बीच की जो दूरी है मात्र 80 किलोमीटर कर देता है। यह पुल भारत को बांग्लादेश के चटगांव एवं मोगला बंदरगाहों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर से भारत तक माल परिवहन के लिए केंद्रीय भूमिका भी निभाएगा। तो पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा में माल पहुंचाना है या पूर्वोत्तर भारत में माल पहुंचाना है, चटगांव और मोगला बंदरगाह जो कि मैत्री सेतु से होकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक मैप के माध्यम से आप जरूर देख लीजिएगा, दोनों देशों के बीच एक नए व्यापार गलियारे के रूप में काम करेगा, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में भी मदद मिलेगी। आपको पता होगा पूर्वोत्तर राज्य में विकास अभी कम गति से पकड़ा हुआ है, जिस तरीके से नॉर्थ में और साउथ में पकड़ा हुआ है, तो जल्द ही पकड़ लेगा, क्योंकि हमारा संबंध भी बहुत अच्छा बांग्लादेश से हो रहा है। भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के बीच लोगों के बीच में भी संपर्क बढ़ावा मिलेगा इससे। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, ध्यान रखना है। साउथ एशिया में, अगर साउथ एशिया की बात की जाए बांग्लादेश की, तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कौन सी, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अभिन्न हिस्सा है, क्या कौन सा, बांग्लादेश, ध्यान रखना है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका अभिन्न हिस्सा है बांग्लादेश, तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। मैत्री सेतु पुल की पूरा होने से बांग्लादेश के साथ भारत के जो सामरिक संबंध है उनमें और भी ज्यादा मजबूत द्विपक्षीय देखने को मिलेंगे। कोलकाता से चटगांव तक नया समुद्री मार्ग आवाजाही के लिए सबसे तीव्र और सस्ता उपलब्ध कराया जाएगा। सितिवी बंदरगाह कालादान मार्ग का एक विकल्प भी सामने आएगा, तो आपको ध्यान रखना है सितिवी जो बंदरगाह कालादान है वो भी विकल्प के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि कोलकाता से चटगांव जाने के लिए बहुत ही तीव्र रास्ता अपन को एक मिल जाएगा, तो मैत्री सेतु पुल को ध्यान रखना है। हम अब छोटी सी बात करेंगे फैनी नदी, जो जिस पर ये पुल पूरा बन रहा है, ध्यान रखिएगा, पुल जो बन रहा है फैनी नदी पर बन रहा है, इसको हम समझते हैं। यह नदी दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलती है, भारत के शबरूम शहर से होकर गुजरती है, बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम से बंगाल की खाड़ी तक 116 किलोमीटर लंबी नदी है। फैनी नदी कुछ उल्लेखनीय सहायक नदियों जैसे कि मुहरी नदी, रैडक नदी, चादखीरा नदी, रिहांग नदी और कुशियारा नदी शामिल है, तो जो उसकी सहायक नदी चार है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं किरीत द्वीप। अब ये किरीत द्वीप क्यों इंपोर्टेंट है इसको देख लेते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है किरीत आइसलैंड। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आ रही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, साथ में हमारा चैनल पे बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं, डेली करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स की, आप लोग इसको देख सकते हो। और आपको अगर MCQ इसके लगाने हो तो नेट लर्निंग ऐप से आप लोग MCQ भी इसके लगा सकते हो, अपने हाथों से ऑनलाइन MCQ लगा सकते हो, नो टेंशन, ओके। डेली MCQ अपलोड होते हैं, साथ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज में, तो नेट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर है और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चर्चा में क्यों है क्रिक आइसलैंड, याद रखिएगा, ग्रीस के सबसे बड़े, कहां की बात कर रहा है, ग्रीस के सबसे बड़े द्वीप क्रीत पर हवाई अड्डे के लिए खुदाई के दौरान 4000 साल पुराना एक बड़ा गोलाकार स्मारक सामने आया है। कहां का है, ग्रीस का है। ग्रीस में क्या हो रहा था, इस पर क्रीत हवाई अड्डे पर एक हवाई अड्डे की खुदाई हो रही थी, क्या हो रही थी, एक हवाई अड्डे के लिए खुदाई हो रही थी। उसी समय 4000 साल पुराना, कितना, 4000 साल पुराना एक गोलाकार स्मारक सामने आया गया। ग्रीस का सबसे बड़ा यह द्वीप है, भूमध्य सागर का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा, ग्रीस। यह एजियन सागर, भूमध्य सागर की एक शाखा के दक्षिणी भाग पर स्थित है।
उत्तर में कीट सागर, दक्षिण में लीबिया सागर, पश्चिम में मार्टियन सागर और पूर्व में कार्पेथियन सागर घेरे घिरा है। तो जल्दी से आप लोग मैप में देख लीजिएगा किसको, क्रीट द्वीप को, जो कि उत्तर में कीट सागर, दक्षिण में लीबिया सागर, पश्चिम में मार्टियन सागर और पूर्व में कार्पेथियन सागर से घिरा है। अब इतने सागरों से घिरा है तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट है। और इसका जो क्षेत्रफल की बात किया तो 8,336 वर्ग किलोमीटर में है फैला है। अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण है। पूर्व एवं पश्चिम में लगभग 260 किलोमीटर अपने सबसे चौड़े बिंदु पर लगभग 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस द्वीप पर उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हुए हैं, याद रखिएगा वेस्ट से ईस्ट की ओर फैले हुए हैं। इस द्वीप पर सबसे ऊंचा स्थान की बात किया तो माउंट एडा है, जो कि आपको पता होगा और 2,456 मीटर यह ऊंचा है। साइलोरिटिस के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इस द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एडा है, जो कोई साइलोरिटिस के नाम से जाना जाता है। इतिहास की बात किया है तो क्रीट द्वीप पर पुरापाषाण युग की शुरुआती मानवों का यहाँ पर निवास रहा था। इस द्वीप पर सबसे पुरानी उन्नत यूरोपीय सभ्यता मिनियन सभ्यता लगभग 2700 से 1420 ईसा पूर्व की शुरू हुई थी। एक बड़े भूकंप के बाद मिनियन सभ्यता समाप्त हो गई। एक बड़ा भूकंप आया और मिनियन सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद द्वीप पर माइसिथियन सभ्यता का शासन पर कब्जा चलाया गया था। तो जो सभ्यता समाप्त हो गई मिनियन, उसके बाद माइसिनियन सभ्यता का विकास हुआ और उस पर कई सालों तक ये कब्जा बना रहा। इसके बाद द्वीप पर रोमन, बिजाटियन, अंडालुशी, वेनेटियन, ऑटोमन का शासन रहा है। तो इस तरीके से देखोगे आप 6 से 7 यहाँ पर शासन करने वाले लोग रहे। यह द्वीप ऑटोमन शासन से द्वीप की स्वतंत्रता के बाद ग्रीस का हिस्सा बन गया था। ऑटोमन शासन से यह द्वीप स्वतंत्र हुआ, उसके बाद ही ग्रीस का हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वीप पर नाजी जर्मन सेनाओं ने कब्जा कर लिया था, जो कि आप लोगों ने सुना नाजीवाद है ना, नाजी जर्मन सेनाओं ने इस पर शासन कर लिया और प्रसिद्ध क्रीट की लड़ाई का युद्ध क्षेत्र भी है शामिल में था। तो क्रीट की लड़ाई के लिए भी जाना जाता है, नाजी जर्मन शासकों के लिए जाना जाता है, ऑटोमन साम्राज्य के लिए जाता है, ग्रीस का शासन का हिस्सा है तो इसके लिए तो इसको जाना जाता है। तो आज यहाँ पर मैंने 5 कंडीशन की बात की, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। वीडियो पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद।